हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा पैराशूट को उतारने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बगावत करते हुए चंदन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करवाया था, लेकिन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर चंदन सिंह ने पार्टी की मर्यादा को देखते हुए अपना नामांकन पत्र वापस लिया और चंदन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने की बात कही। वहीं चंदन सिंह ने बताया कि हाईकमान में आखिरी तक मेरा नाम फाइनल था, लेकिन अचानक पैराशूट को उतार दिया, इसलिए मैंने निर्दलीय से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब हमें पार्टी की मर्यादा को देखते हुए उसका समर्थन करना पड़ेगा। अभी भी कांग्रेस पार्टी से दो बागी, जिसमें सिरवी समाज और ओबीसी में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले भूराराम सिरवी ने वोट बैंकों के आधार पर अपनी दावेदारी पेश की थी, जो अभी तक निर्दलीय के रूप में बगावत पर हैं। वहीं मीना समाज से उदाराम भी कांग्रेस पार्टी से बगावत पर निर्दलीय से अपना नामांकन दाखिल किया था। अब देखते हैं कि कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक कौन कौन मैदान में रहता है। अभी भी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टियों सहित अन्य पार्टी और निर्दलीय में कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।